भाई बोलो तुम नर्मदा जी के किनारे क्यों है? हाँ, कोई पूछे तुमसे कि नर्मदा नहाने जाओ तो क्या जल पड़ जाए? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, बोल बोलो तो काबिल हेरे राम यही है ना मंडलेश्वर? तो मां मार्केट में काबिल नहीं है, किसी के पास जाते हो तो क्या लेकर जाना चाहिए? जो उसके पास में नहीं है वो लेकर जाओगे तो वो रखेगा कि नहीं रखेगा? किसी ने भगवान कृष्ण से कहा नहीं यार वो भोजन करिए, तो भोजन दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे भोजन का करूंगा क्या? आधा चावल का दाना करता हूँ, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूँ, द्रौपदी क्या भरा? किसी ने कहा भगवान को कपड़े अच्छे लगते कपड़े दो, भगवान के तुम्हारे कपड़े का करूंगा क्या? एक उंगली उठाई थी द्रौपदी को 9,999 देकर आया था, दूसरी उंगली उठाई नानी भाई का 56 करोड़ का मायरा ढर कर आ गया, मेरी तो खुद फैक्ट्री कपड़े थी, मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा भगवान को दे दिया, तो किसी ने कहा भगवान को सोना चांदी हीरा पन्ना दे दो, भगवान के तुम्हारे हीरे पन्ने सोना चांदी का करूं क्या? लक्ष्मी तो मेरे चरणों में बैठी और मेरे ससुर का नाम रत्नाकर समुद्र, रत्नाकर मेरे समुद्र मेरा ससुर है जिसने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह करा हुआ, तो रतन सोना चांदी कितना दिया होगा? मुझे तुम्हारे सोना चांदी भी चाहिए। तो फिर किसी ने कहा भगवान को दे क्या? क्या तुम्हारे ऊपर कथा लेके देखा, तुम्हारे पास में पीले कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें पीली साड़ी देगा तो तुम उसको तैयार करोगे क्या? जमके तो बोलो नहीं करोगे, अच्छी होगी बहू को दे दोगे और अच्छी होगी बेटी को दे दोगे, साड़ी जरा सी भी गड़बड़ होगी एक करके भाग बच्चे चढ़ा दोगे। भागवत जी चढ़ जाए अगर अच्छी नहीं होगी तो, अच्छी होगी बहू और अच्छी होगी बेटी। और किसी ने तुमको लाल कलर की साड़ी दी, गुलाबी साड़ी दी, जो तुम्हारे पास कलर ही नहीं था, ऐसी जोरदार साड़ी आ गई तो तुमने तुरंत उसका जो भी था उसको काट टुकड़ा के और तुरंत सिलवाने डाला और हाल माल लगवा लगो के और इतना दिन में तो जो कथम गई तो दमों के पेट ना किए, जो कलर नहीं था वो तुमने तैयार कर लिया, जो था वो तुमने तैयार नहीं करा। भगवान भी वही कहते हैं कि जो मेरे पास आ रहा है नर्मदा नहाने आ रहे हो तो क्या लेकर जाओगे नर्मदा नहाने के लिए? जल्दी बोलो, ये तुमको बोल देता अभी, क्या लेकर जाओगे? भाव लेकर जाओगे, निर्मल मन सो मोई। हम नर्मदा जी के घाट जाएं तो मन लेकर जाएं, क्या मन लेकर जाना है? ये नर्मदा केवल पानी नहीं है, ये नर्मदा केवल नदी नहीं है, ये हमारी माँ है। तो क्यों नर्मदा को माँ मानकर जाओगे तो तुमसे पाप नहीं होगा? तो तुम क्या पाप नहीं करोगे? तो ये कपड़ा भी तुम में साबुन लगा लगा के जो धोते हो ना ये बंद कर दोगे, भाव लेकर जाओगे निर्मल मन लेकर जाओगे कचरा नहीं डालोगे, नारियल फोड़ के नटकी नर्मदा में पटकोगे,